हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, हमने मिशन JKSSB क्लास 4 स्टार्ट किया था। उसमें हम जनरल अवेयरनेस, जो आपका 40 मार्क्स का टॉपिक है, उसके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहे थे। उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए थे। दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आज हम आपको थर्ड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं कहता हूँ, आज आपके देखिए, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें, उसमें भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आज सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कल हमने CMA गवर्नर्स पे मेन फोकस किया था, तो आज मिक्स क्वेश्चन हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे सभी टाइप के क्वेश्चन। आपको इस तरह का लगेगा कि आप एक तरह का एग्जाम से पहले कोई नया एग्जाम दे रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आगे अब सर की आवाज़ है, तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्रैश कोर्स का पार्ट थर्ड लाए हैं। तो ऑलरेडी हम दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो जिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो जाके दे सकते हैं हमारे चैनल पे टेस्ट। तो जो थर्ड पार्ट है, इसमें मैंने काफ़ी कैटेगरी के क्वेश्चन डाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन JNK बिकेम यूनियन टेरिटरी। तो आपके ऑप्शन है ए अक्टूबर 5th 2019, बी अक्टूबर 31st 2019, सी सितंबर 5th 2019, या फिर डी अक्टूबर 1 2019। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अक्टूबर 31st 2019। काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो अगस्त 5 2019 कर देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त 5 2019 को हमारा ये कानून पास हुआ था। जो एक्ट किया गया था, ये पास हुआ था 5 जगह 2019 को बाय एवर होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। तो जो ऑफिशियली जो हम यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुए थे वो अक्टूबर 31st 2019 को हुए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और सेकंड, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। कौन सी हिल पे वैष्णो देवी का मंदिर लोकेटेड है? ए कटरा, बी त्रिकुटा, सी उधमपुर, या फिर डी आरू। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिकुटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, जो SI यूनिट है चार्ज का वो क्या है? आपके ऑप्शन है ए एम्पेयर, बी कुलम्ब, सी कैल्विन, या फिर डी वाट। तो जो SI यूनिट है चार्ज का वो है हमारा कुलम्ब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो फिलामेंट है लाइट बल्ब का वो किससे बना होता है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटिनियम, बी एंटीमोनी, सी टंगस्टन, या फिर डी टेंटेलियम। तो ओके, जो करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है लाइट बल्ब का वो टंगस्टन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रोवर्स कप इज रिलेटेड टू। तो आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, या फिर डी गोल्फ। तो जो रोवर कप है वो हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। कौन सा प्लैनेट नियरेस्ट है सन से? सबसे ए मार्स, बी मरकरी, सी वीनस, या फिर डी अर्थ। तो इनमें से जो करेक्ट वन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट्स मरकरी। मरकरी प्लैनेट सबसे नियरेस्ट है सन के। तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, या फिर डी सिल्वर। तो जो इसका करेक्ट है ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट्स कॉपर। कॉपर मेटल ऐसा था जो सबसे पहले मैन ने यूज़ किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, गरबा इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। जो गरबा है वो कौन सी
स्टेट का फेमस डांस है। तो ओके, ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी यूपी, सी गुजरात या फिर डी असम। तो काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, तो फिर भी हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात, गरबा जो डांस है वो गुजरात का डांस। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ दिस संस्कृत नेम ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर को का संस्कृत नेम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए वितास्ता, बी वेद, सी हाइडस पास या फिर डी चंद्रा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वितास्ता। तो वितास्ता है वो झेलम रिवर कहा जाता है संस्कृत में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर का लोकल नेम क्या है? पहले हमने संस्कृत नेम पढ़ा, अब लोकल नेम। लोकल जो उधर के लोग थे जहाँ पे झेलम के पास के झेलम रिवर के जो पास लोग रहते थे वो झेलम रिवर को क्या कहते थे? तो ए वितास्ता, बी वेद, सी हाइडस पास या फिर डी चंद्रा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वेद। हाइड वेद कहा जाता है झेलम रिवर को लोकली पीपल के द्वारा, लोकल पीपल द्वारा। तो मैं बताना चाहूँगा जो ये वितास्ता तो हो गया संस्कृत के नाम से और वेद हो गया लोकल के नाम से, और जो हाइडस पास है वो जाना, वो झेलम को ग्रीक वर्ड दिया गया, ग्रीक वर्ड से जाना जाता है ग्रीक। हाइडस पास जो है ग्रीक वर्ड है, जहाँ रखना ये भी आपके पेपर में आ सकता है कि जो झेलम रिवर है उसको ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, तो हाइडस पास कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, परमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ। परमंडल जो मेला है वो किस शुभ पर्व पे मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए बैसाखी, बी लोहड़ी, सी महाशिवरात्रि या फिर डी तिहार। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाशिवरात्रि के दिन परमंडल मेला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लावणी इज दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट। जो लावणी है वो कौन सी स्टेट का फोक डांस है? तो ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी पंजाब या फिर डी जे एंड के। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लावणी जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ए एस्ट्रोनॉमी, बी कॉस्मोलॉजी, सी एस्ट्रोफिजिक्स या फिर डी साइंस। तो जो करेक्ट वन है वो है कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का कौन फाउंडर था? तो आपके ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी बहादुर शाह, सी दयानंद सरस्वती या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय। द मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय ए अशोका, बी कल्हाना, सी ललित आदित्य मुक्तपीड़ा या फिर डी दुर्लभ वरदाना। तो जो मार्टन सन टेम्पल था वो ललित आदित्य मुक्तपीड़ा द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सूर्यपुत्री इज द नेम ऑफ विच रिवर। किस रिवर को सूर्यपुत्री के नेम से भी जाना जाता है? ए चिनाब, बी तवी, सी झेलम या फिर डी जंस्कर। तो मैं जाना बताना चाहूँगा आपको कि इसका करेक्ट आंसर है वैसे झेलम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि झेलम के तो मैंने आपको नाम बता दिए, वितास्ता लोकली भी बता दिया, संस्कृत भी बता दिया और ग्रीक भी बता दिया। तो सूर्यपुत्री का कोई कंसर्न नहीं है झेलम से, तो झेलम तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो जो करेक्ट वन है वो होगा तवी, सूर्यपुत्री को तवी के नाम से जाना जाता है। तवी जो है वो सूर्यपुत्री
भी कहते हैं उसको, वो तभी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17, व्हाट इज़ दी बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर लाइन है उस रेखा को क्या कहा जाता है? ए मैकिनोट लाइन, बी दुरंत लाइन, सी मैकमोन लाइन, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैकमोन लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। फुल फॉर्म भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मेन मेन, तो हमने ये आज एक डाल दी वाईफाई के नाम पे। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी लोग होते हैं जो वाईफाई का जानते हैं लेकिन उनको फुल फॉर्म नहीं पता होती। काफ़ी सारों को पता होती है लेकिन कुछ बीच में होते हैं जिनको नहीं पता होती। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो क्या ऑप्शन है? ए वायरलेस फिडेलिटी, बी वायरलेस फंक्शन, सी वायरलेस फ्रेगमेंट्स, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। कौन सी स्टेट का सबसे कम लैंड एरिया है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी गोवा, या फिर डी सिक्किम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। गोवा स्टेट का सबसे कम लैंड एरिया है, क्योंकि वो आपको पता ही है कि मैप में महाराष्ट्र के साथ दिखता है कितना सा, सिर्फ इतना सा एरिया दिखता है महाराष्ट्र। ज़्यादातर किसका है? महाराष्ट्र का ज़्यादा एरिया है, फिर यूपी का भी उससे काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो जो गोवा है वो सिर्फ इतना सा दिखता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि गोवा कितना स्मॉल है, कितना छोटा है, तो उसका लैंड एरिया भी कितना कम है। ठीक है, बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज दी फादर ऑफ कल्हाना। कल्हाना का फादर कौन था? आपके ऑप्शन है ए चंपक्का, बी किंग हर्षा, सी लोहोरा, या फिर डी ननावदीस। तो जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा कि कल्हाना का फादर कौन हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चंपक्का वाजी फादर ऑफ कल्हाना। ठीक है, होप कि आज के 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए हो। तो लास्ट में आपको ज़रूर बताना है कि कितना स्कोर किया आपने। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।